यदि आप छत्तीसगढ़ से हैं और आप प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लेने के लिए आपने आवेदन किए हैं या आपको लाभ मिल रहा है, तब दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप अपने केवल नाम लिखेंगे जिसके नाम से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का आवेदन आपने किया है, जिनके नाम से मिल रहा है। आपको केवल नाम सर्च करना है, आपको जिला राज्य कोई सिलेक्ट नहीं करना है, आपको केवल नाम डालेंगे तब आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि उन्हें लाभ मिल रहा है या उन्हें लाभ अभी नहीं मिल रहा है या क्या उनका फॉर्म अनुमोदित है अर्थात पेंडिंग में पड़ा हुआ है, पूरा डिटेल जानते हैं। ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखने होंगे। इससे पहले यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। सबसे पहले छत्तीसगढ़ सरकार के ऑफिशियल इस वेब पेज पर आना होगा। छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल सरकार द्वारा लिंक एक्टिवेट किया गया है, जहाँ से आप जान सकेंगे कि आपका फॉर्म अनुमोदित में है या आपको लाभ मिल रहा है। अगर कई बार ऐसा होता है कि जो गैस एजेंसी वाले होते हैं वो आपको गैस सिलेंडर नहीं दिए रहते हैं और आपका लाभ मिलते रहता है, ऐसा भी हो सकता है, या आपका फॉर्म अनुमोदन में पड़ा हो, आपने आवेदन किया है, आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, तब आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो सकती है। ये जानने के लिए इसके बाद आपको इस पेज पर आने के बाद यहाँ जन भागीदारी के जस्ट नीचे में लिखा हुआ है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इसी पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का ये पेज ओपन हो जाता है। आप यहाँ देखेंगे तो कुल प्राप्त अनुमोदित आवेदन दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ दिया हुआ है कुल लाभान्वित हितग्राही। तो हम अनुमोदित आवेदन को देखेंगे कि आपका आवेदन अनुमोदन में पड़ा है क्या। अगर अनुमोदित में पड़ा रहेगा तो आपको लाभ नहीं मिलेगा, अगर आपको लाभान्वित हितग्राही में शो करेगा तो आपको लाभ मिलेगा। ये सर्च करने के लिए आपको इस पेज पर आने होंगे। यहाँ आने के बाद आपको यहाँ लिखा हुआ है सर्च करें, आपको केवल अपना नाम सर्च करना है जिसके नाम से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ मिल रहा है। यहाँ सर्च पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पेज फिर से रिडायरेक्ट होकर नया पेज ओपन होता है। पेज इस तरह से ओपन हो जाता है। यहाँ दिया हुआ है हितग्राही के आवेदन की स्थिति, आपने आवेदन किया था, आपके आवेदन की स्थिति क्या है, क्या आपको लाभ नहीं मिल रहा है या आपको लाभ मिल रहा है या आपका आवेदन अनुमोदित में है, आपने आवेदन किया है। तो यहाँ आधार क्रमांक में नहीं डालना है, आपको यहाँ नाम में सिलेक्ट करना है। नाम में सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ एक नाम लिख देता हूँ, देख सकते हैं मैंने एक नाम लिख दिया, तो इस नाम से जितने भी लोगों का नाम है यहाँ शो हो गया। जैसे मैं यहाँ सबसे ऊपर में ही क्लिक करता हूँ तो क्या बताता है आप देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ क्लिक किया तो इसे देख सकते हैं लाभान्वित, ये बताया गया है आपको गैस कनेक्शन प्रदान किया जा चुका है और कब प्रदान किया जा चुका है वो भी बता रहा है और कहाँ आपको मिल रहा है वो भी देख सकते हैं। तो आपको कैसा पता चलेगा कि ये आपका है, तो आप अपने गैस एजेंसी के बारे में आपने कहाँ आवेदन किया था तो जान पाएंगे कि ये आप ही का है। इसके बाद एक और हम आपको चेक करके बताते हैं, जैसे इसी नाम से सबसे पहले हमने जो ऊपर में नाम आया था उसको चेक किया था, इसके बाद जैसे दूसरा में नाम आया उसको चेक करते हैं, जैसे इसका चेक करते हैं तो इसका क्या बताता है देखते हैं, देख सकते हैं ये अनुमोदित बता रहा है अर्थात इनको अभी लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ देख सकते हैं ये गैस एजेंसी यहाँ का है, तो आप यहाँ से जान पाएंगे कि ये आप ही का है। आपका नाम यहाँ पूरा लिखेंगे तब भी पूरा भी नाम इसमें आ जाता है, जो नाम से आपने आवेदन किया था आप वहाँ इसको पूरा डालें तो आप जान पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे एक और मैंने क्लिक किया, इसकी भी जानकारी देखेंगे तो देख सकते हैं ये क्या है, ये भी लाभान्वित है। इस तरह से आप देख सकते हैं कई बार गैस एजेंसी वाले ऐसे करते हैं कि लाभ तो उन्हें मिल रहा होता है लेकिन जो हितग्राही होते हैं उन्हें पता नहीं चलता कि उन्हें लाभ मिल रहा है। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये वीडियो। अगर जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आपको इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा जहाँ से आप अपना इस तरह से चेक कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।